एक ऐसी जगह जो कि पोखरा घूमने वाले टूरिस्ट घूमना भूल जाते हैं, और एक ऐसा लेक जो कि है फेवा लेक से भी अधिक सुंदर। तो कौन सा लेक है आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं उस लेक के बारे में। हेलो गाइस, आज हम पोखरा से निकल चुके हैं और आज हम यहाँ से निकल के पोखरा का एक अनोखी लेक के बारे में दिखाने वाले हैं, जो कि बहुत ही लोग जो पोखरा घूमने आते हैं वो लेक को घूमना भूल जाते हैं या उसको मालूम ही नहीं है कि ये लेक है कहाँ पर। मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं सुरेंद्र मधेसी ब्लॉग। तो गाइज, हम पोखरा से निकल चुके हैं। पोखरा से निकलने के बाद जब थोड़े ही दूरी पर आते हैं, कुछ किलोमीटर आगे, तो यहाँ देख सकते हैं इस जगह का नाम है डाडाको नाक। इस चौक का नाम है डाडाको नाक और यहाँ से एक टर्निंग है, लेफ़्ट टर्निंग मेरे सामने आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे और यहाँ से जाते हैं उस लेक में जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लेक। जब आप पोखरा आते हैं तो इस लेक को भी घूम सकते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ फेवा लेक के बारे में जानते हैं, इस लेक के बारे में नहीं जानते। तो चलते हैं, आपको बताते हैं इसका नाम। तो फिलहाल यहाँ से हम आ गए हैं, इस जगह का नाम है डाडाको नाक और यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न ले चुके हैं। और यहाँ से थोड़े ही आगे जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर फिर से एक राइट टर्न है। देखिए कि दूसरा जगह रोड है, यहाँ से देखिए यहाँ से राइट लेना है। और यहाँ से राइट लेते ही एक जगह है जिस जगह का नाम है सिसवा, तो सिसवा से फिर हमें लेफ़्ट लेना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस जगह का नाम है सिसवा और यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट। ये सिसवा है, पीछे भी डाइवर्सन था, वहाँ से भी हम जा सकते हैं, लेकिन हम मेन रोड दिखाते हैं। अभी बन रहा है यह मेन रोड और इस रास्ते से यहाँ से भी लेफ़्ट लेना पड़ता है। यहाँ पर चार रास्ता है तो यहाँ से लेफ़्ट लेना है और ये लेफ़्ट लेते ही आप ये सीधे रास्ता जाता है वेगनास, जो कि बस स्टैंड। और जिस लेक का मैं बात कर रहा था उस लेक का नाम है वेगनास। तो ये देखिए, हम वेगनास का बस स्टैंड में आ चुके हैं और बस स्टैंड क्रॉस करते ही यहाँ पर फिर से लेफ़्ट टर्न है। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर ब्रिज बन रहा है, तो हमें उस पार नहीं जाना है। ब्रिज से पहले ही एक लेफ़्ट टर्न का रास्ता है, तो इस लेफ़्ट टर्न का रास्ता पे चलेंगे। और यहाँ से थोड़े ही बस 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही वेगनास लेक है। तो हम यहाँ से लेफ़्ट ले चुके हैं और फाइनली हम पहुँच गए हैं। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये एंट्री गेट, ये है पोखरा का बहुत ही सुंदर लेक जिसका नाम है वेगनास लेक, अर्थात वेगनास ताल। यहाँ का लोग इसको सिंचाई के रूप में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने सिंचाई के लिए, यानी कि पानी का यूज़ खेती के लिए, किसानी के लिए करते हैं। तो यहाँ पे सिंचाई प्रणाली बना हुआ है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लेक है। यहाँ पे देखिए, इसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है वेगनास लेक। इस लेक का नाम है वेगनास, जो कि नेपाल का तीसरा सबसे बड़ा लेक है। पहला लेक जो है वो रारा लेक है, दूसरा फेवा लेक और तीसरा है ये वेगनास लेक, नेपाल का तीसरी सबसे बड़ी लेक, थर्ड बिगेस्ट लेक्स इन नेपाल आप कह सकते हैं इसको। और ये लेक के चारों और तीन साइड आप देख सकते हैं पहाड़िया से घिरा हुआ है। और यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, और उस कॉर्नर पर, सामने वाले कॉर्नर पर, वहाँ पर बोटिंग है। तो वहाँ से बोटिंग बुक करके आप पहाड़ियों के अंदर जा सकते हैं। अगर आपको एडवेंचर करने की शौकीन है आप, तो आप इस लेक में बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल हम सुबह सुबह आ गए थे तो बिल्कुल खाली खाली सा है, लेकिन एडवेंचर के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर है, जिस पर आप घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं सुरेंद्र मधेसी ब्लॉग। आज का ये हमारा सफ़र था पोखरा का वेगनास लेक, जो कि टूरिस्ट जो पोखरा घूमने आते हैं अक्सर ये लेक घूमना भूल जाते हैं। अगर आप भी आप आते हैं पोखरा तो ये लेक अवश्य घूमिएगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लेक है। तो इस चैनल पर हम अलग अलग जगहों के बारे में जानकारी लेकर और अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। तो आपको ब्लॉग देखना और अलग अलग जगहों के बारे में जानकारी लेना पसंद है
तो मेरा इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। इसी तरीके के वीडियो लेके आएंगे, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए।